देखो सबसे पहले जो पोर्ट्रेट बनाते हैं तो पूरा बेसिक शेप है, ये मेरा बेसिक शेप है इसका, तो मैं ऑब्जर्व करते हैं। इससे क्या है कि हमें कंपोजिशन करने में आसानी होगा, इतना करने से हमें समझ में आया कि हाँ इस जगह पर पोर्ट्रेट आएगा और ये सब मेरा अपना समय। इसके बाद में हम उसको क्या है ना कि जो बेसिक पार्ट से उनमें डिवाइड कर देते हैं, सीधे लाइन और ये आईब्रो लाइन, ये नोज लाइन, चिन लाइन, हम बेसिक ब्लॉकिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिक सेगमेंट को डिवाइड कर दिया और जितना हमारा फोरहेड होता है उतना हमारा नोज होता है, जितना नोज उतना ही हमारा नोज से टिप होता है, तीनों बराबर होती हैं और जितनी लंबाई नाक की होती है उतनी लंबाई हमारे लगभग कान की होती है। तो इन चीजों को हम ध्यान रखते हुए थोड़ा सा और तो इसमें डिटेलिंग में जाके हम पहले बेसिक शेप, बेसिक ब्लॉकिंग, फिर सब ब्लॉकिंग, फिर डिटेल ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। तो हम ये इसके बाद में अब हम हल्का सा और ड्राइंग लेयर बाय लेयर होनी चाहिए ना, एक एक पार्ट करके ना सारे पार्ट पे एक साथ काम हो। तो हम माउथ का हल्का सा माप लीजिए, सारे पार्ट को रीचेक करते जाते हैं, थोड़ा सा आई का सारे पार्ट आप अलाइनमेंट हर लेयर में करेक्शन करते जाते हैं, पिछला जो गलतियां हुई हैं तो इससे एक्यूरेसी आने में आसानी होगी। तो लेयर में काम करते को सुविधा होती है कि रेजर की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक ही बार डिटेल करेंगे तो गलत हो सकता है, लेकिन बार बार लाइन को रिपीट करेंगे। हर लेयर में भी करेक्ट करते जाना है।
और अपने पोर्ट्रेट को तो दूर से देखते जाए कि पास से देख लेते होता क्या है ना कि हमें जो थंबनेल दिखाई देता तो दूर से होता है कि मेरे को प्रोटेक्ट आने के बाद अगर प्रोटेक्ट बिल्कुल छोड़ दूँ तो प्रैक्टिस से निकल जाता है, सब कुछ पता होने के बाद हाथ पर काम नहीं करेंगे। कंसिस्टेंसी जरूर होती है, आपको रेगुलर पता ही टारगेट एक प्रोटेक्ट करना है रेगुलर। अगर ऐसे करोगे तो देखो आप महीने दो महीने में कौन चेंज आएंगे समझ में क्या चेंज आ रही है। बहुत लंबे समय बाद अगर बहुत समझ में तो आएगा लेकिन हाथ पर साफ नहीं देंगे, साफ नहीं देंगे, रहना बदल दो। रियाज करना लाइन्स को एकदम डार्क नहीं करनी, हल्की लाइन चाहिए और रिपीट होते तक में डार्क होगी तो ज़्यादा परफेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। सब डिटेल्स हैं, मैंने पार्ट्स के बीच के सब डिटेल्स हैं वो लाइन के थ्रू केवल लाइन्स को यूज करना है।
चीजों को आप जब से प्रैक्टिस नहीं करोगे साथ ही साथ ना, जैसे आपको बताया जा रहा है डेमो दिया जा रहा है, साथ ही प्रैक्टिस करते हो तो समझ याद आएगा। उसे देखते जाएं, उसे देखने से क्या होता है कि हमें एग्जैक्टली कमियां समझ में आती हैं। थंबनेल दिखता है उसे देखने से पाथ पे हम प्रोपोर्शन स्नैचिंग नहीं कर पाते, तो उसे बाबा देखना और फिर रिपीट एल लाइन है, एल लाइन से हम जो है ना अपने आप ही डार्क हो रहा है ना, अलग से शेडिंग नहीं करता अलग से शेडिंग है, जहाँ पर डार्क करना वहाँ पर वहाँ की डिटेल लाइन को और डेंस कर दो, ठीक है। तो क्या है ना कि वो अपने आप, लेकिन ये जो स्टेज होती है वो बाद की होती है, शुरुआत में तो केवल कॉम्बो पर करना है। जब हमें लगता है कि हाँ हमारी फाइम फॉर्म आ रही, तक डार्क भी है और भी जो है डिटेल से इसको हम डेंस करते जाएंगे, डार्कनेस भी आ जाएगा और डिटेल भी बढ़ जाएगा। इससे पहले ये होता है कि हमारा बुला लो भीतर
सो दूध से पाप पे देखिए और फोकस आ रहा है जहाँ पर अपने डार्क करना वहां पर फीलिंग लाइन को डेंस कर देते हैं तो वो अपने डार्क हो जाएगा। अलग से शेडिंग नहीं कर सकता है, अलग शेडिंग कर करने से क्या होता है कि तो वो अलग किसी पर्पज भी स्टाइलाइज करना मतलब बात है, लेकिन अगर स्टडी हो जाएगी तो स्टडी का मैक्सिमम डिटेल सब काम कैच कर सकते। यहाँ पर दो स्टूडेंट थे धीरज का एक रोहित था, इन लोगों ने ड्रॉइंग को ढंग से समझा और उन्होंने वास्तव में उनकी प्रैक्टिस भी करी। और लाइट ड्रॉइंग यकीन मानिए कि ज्यादा इजी होता है और ज्यादा एंजॉयिंग होता है। आप फोटो से कर लेते हैं बेसिक लर्निंग के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको सीरियस है आर्ट नहीं है तो लाइव ड्राइंग मस्त Yes, sir.
रेगुलर प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है, अगर करो तो आपको पता नहीं कितना चेंजेस आ जाते हैं, महीने दो महीने आपको चेंजेस आ जाते हैं। अगर डेली वन करते भी करो, एक रन डेली करो ना, कभी कभी साइकिल ब्रेक भी ले सकते हैं। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा जो ड्राइंग बोर्ड है एंगल 90 का होना चाहिए, जब हम यहाँ खड़े हो तो 90 डिग्री बन जाओ, कभी ये ऐसे देखते हैं तो उससे पहले तो प्राउड हो जाता है, ये पहली बात। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात होती है कि रोटेशन में उसकी कमी है, ऐसे से ड्राइंग देखिए ड्राइंग करना तो यहाँ पे होगी, क्योंकि ड्राइंग हाथ नहीं करते हैं, ड्राइंग हमारा ऑब्जर्वेशन करता है। अगर आपका ऑब्जर्व अच्छा है तो झाड़ू से भी करोगे तो भी बढ़िया पेंटिंग बनाएंगे, गोबर से भी बनाओगे तो भी अच्छा काम हो ही जाएगा, वो कोई मैटर नहीं करता, ऑब्जर्वेशन मेन होता है। तो ड्राइंग यहाँ से करते हो तो बड़ा ड्राइंग करने के लिए है कि डिस्टेंस से देखना, क्या बात है डिस्टेंस से देखना तो थंबनेल बन जाता है ना, थंबनेल को हम ज्यादा ऊपर पर पाते हैं। और रेगुलर प्रैक्टिस भी बेटर है, अभी आपके पास ज्ञान हो, अगर ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो वो ज्ञान काम नहीं करेगा, कहीं कितनी भी आपने किताबें पढ़ ली हो अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो वो प्रैक्टिस तो बेटर है। कोई फर्क है भी दिखी भी रहा है कि रेगुलर काम करना और कभी कभार करना राइट जाता है। जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर आजकल तो ये कल्चर थोड़ा सा कम हो रहा है, पहले जो पुराने जितने भी आर्टिस्ट हैं शायद रामकृष्ण है जो डोमना हो कुमार हो जितने भी टीचर्स आर्टिस्ट हैं वो उनका रेगुलर प्रैक्टिस रहता ही। तो आप लोग रेगुलर कुछ करके दिखाइए इसमें, आप लोगों को दोबारा टेम्पो देने का मौका मिलता रहे। और थैंक यू सर वेरी मच, आपने और ये काम है ज़्यादा नहीं करते, टाइम भी नहीं है, काफ़ी।